करंजी बनाने के लिए सामग्री: एक कटोरी चना दाल, ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर, एक कटोरी मैदा, एक कटोरी शक्कर, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल, एक कटोरी घी। और दाल को हमें 4-5 घंटे के लिए भिगो के रखना है। हमने पहले से 4-5 घंटे के लिए दाल भिगो के रखी हुई थी। इसे हमें दरदरा पीसना है। गैस चालू कर दिया है हमने। अभी इसमें घी डालेंगे। अभी हम चना दाल की पेस्ट डालते हैं। अभी इसे हमें अच्छी तरह भूनना है। सुनहरा होने तक अच्छी तरह भूनना है हमें इसे। अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शक्कर डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। ऐसे हिलाते रहना है। अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें शक्कर डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। ऐसे हिलाते रहना है। शक्कर अच्छी तरह मिल चुकी है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और कद्दूकस किया हुआ नारियल और अच्छी तरह मिलाएंगे। एक दो मिनट तक इसे अच्छी तरह हिलाना है और गैस बंद कर देना है। अभी उसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। सारण ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम इलायची पाउडर मिलाएंगे। हमने कड़ा आटा गूंदा हुआ है। अब इसके हम लोहिया बनाएंगे और पूरी की तरह बेलेंगे। इसमें हम सारण भरेंगे।
पानी का हाथ लेके साइड से अब इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे, अच्छी तरह दबाएंगे ताकि खुले ना। तेल गरम हो चुका है, अब हम करंजी तलेंगे। हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम निकाल देंगे।